हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 33 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएँ होती हैं, इनमें से किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, कथनों को देखते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नता है। सेकंड, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधताओं पर आधारित भिन्नता है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे कूट दिए गए, फर्स्ट यहाँ पे केवल सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों, थर्ड है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, फोर्थ है केवल फर्स्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे कि आप बात करते हैं, शिक्षार्थियों को संवेदनशीलता की जो आवश्यकता होती है वो सृजनात्मकता, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और लिंग, धर्म, जाति, समुदाय के बारे में भिन्नता पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला आंसर, इधर रखो हमारे यहाँ पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, केवल कागज पेंसिल जांच और द्वारा आकलन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे यहां पे समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। सेकंड है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। थर्ड है सरल आकलन को बढ़ावा देता है। फोर्थ है आकलन को सीमित कर देता है। तो जैसे कि यहां पर देखा जाएगा, पूछा जाए क्वेश्चन में कि आकलन जो है वो केवल कागज पेंसिल के माध्यम से किस प्रकार का होता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कागज पेंसिल के माध्यम से आकलन जो होगा वो एक पक्ष की बात करता है और इसे सीमित कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं आते आते में। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक वरिष्ठ बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट ऑप्शन है उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। सेकंड है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह वधर केंद्र में प्रवेश ले। थर्ड है विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावक से बात करे और बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। फोर्थ है वह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठ व चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका है कक्षा में, तो कि शिक्षा की कक्षा में एक बच्चा है जो कि बधिर है, बधिर का मतलब होता है जो सुन नहीं पाता, बहरा बच्चा, तो वो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य करना होगा देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसे क्या करेंगे, हम उस बच्चे को ऐसी जगह पर बिठाएंगे जहाँ से शिक्षिका के हाव भाव, चेहरे के हावभाव के अकॉर्डिंग और होंठ को स्पष्ट तरीके से समझ सके या देख सके। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको अगर मिलती रहेंगी। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें कक्षा कक्षा में अलग स्थान पर बिठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना करें। सेकेंड है उन बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। थर्ड है कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर। फोर्थ है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके और उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि एक शिक्षक है जो वंचित समाज के बच्चे हैं उसके पास में, उसकी क्लास में, तो उनके लिए आवश्यक प्रभावपूर्ण तरीके क्या अपना सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर उनकी कक्षा कक्ष के अनुसार, प्रत्येक बच्चे के अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षण कौशल को अपनाकर और उनके सीखने के लिए समान अवसर देकर प्रत्येक आवश्यकता को पूरा कर ही कर सकता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। अधिगम निरूपता वाले बच्चे फर्स्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं सीख सकते। सेकेंड है अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं। थर्ड है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है। फोर्थ है बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन में बात की जा रही है अधिगम निरूपता वाले बच्चे, अधिगम निरूपता वाले बच्चे वो होते हैं जो कि
अधिगम सीखने में कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, सेकंड है उनसे प्रत्याश्रमण आधारित प्रश्न पूछकर, थर्ड है उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, फोर्थ है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहकर। तो यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षक है जो बच्चों को सृजनात्मक विचारों से प्रोत्साहित कर सकता है। तो देखो यहाँ पे कंठस्थ करने की बात आ रही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगी रटन प्रणाली तरफ जा रहा है, प्रत्याश्रमण की बात आ रही है, प्रश्न पूछने वाले उनकी बात आ रही है, तो इस पर भी हमारा कोई ज्यादा नहीं होगा। विकल्प की तो ये भी हमारा ज्यादा अच्छा आंसर नहीं होगा। तो जैसे कि हमारे पे आंसर बचता है फोर्थ, तो जैसे कि यहाँ पे उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर प्रोत्साहन कर, तो इसका करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहते हैं, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करते रहें। क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, सेकेंड है उन्हें केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, थर्ड है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, फोर्थ है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे कि हम भी बात की जा रही क्वेश्चन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके व्यवहार में निम्नलिखित जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उनके अनुसरण क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हम भी बात करते हैं, उन्हें समावेशी कक्षा का नियमित विद्यालय में अध्ययन करने के प्राप्त अधिकार है और समावेशी शिक्षा उन्हें देनी चाहिए, जैसे कि उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखने के अवसर मिल सके। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, हाथ पे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। फर्स्ट अपने की शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, सेकेंड है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां, थर्ड है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता या पात्र होता है, फोर्थ वे शिक्षण विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास शामिल होते हैं। तो यहाँ पे अधिगमकर्ता विधि की बात की जा रही है, सीखने की केंद्र विधियों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं कि वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल व प्रयास शामिल होते हैं, इसमें जैसे कि बच्चा यहाँ पे सक्रिय होगा सीखने में तो बच्चे क्या अच्छे से सीख पाएगा, वही विद्या जैसा बेस्ट होंगी। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। तो यहाँ पे सीखने के लिए प्रमुख पूछा गया है, तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन, सेकेंड है रटकर या याद करना, थर्ड है अनुकरण, फोर्थ है अर्थ निर्माण। तो जैसे कि अनुबंधन होता है किसी के रिलेटिव या कनेक्टिविटी से सीखना, फोर्थ यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं याद कर, यह क्या ये भी हमारा अच्छी तरह से नहीं है, रट कर सीखना किसी चीज को क्या हुबहू रट लेंगे बस, अनुकरण किसी के माध्यम ये क्या अर्जित किया जाता है, ये हमारा भाषा के अनुकरण के माध्यम से होता है। मगर हम जब बात करते हैं सीखने की, तो यहाँ पर क्या किसी चीज को पढ़कर उसका अर्थ समझकर निर्माण करना या अर्थ समझना ही हमारा सबसे बेस्ट होता है सीखना। तो आंसर हमारा करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, प्याजे और बाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, सेकंड है उद्दीपक व अनुक्रिया के जोड़ से होता है, थर्ड है शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना है, फोर्थ है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्याजे और बाइगोस्की के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम होता है या क्या है, तो जैसे कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जिसमें बच्चे क्या उसमें सक्रिय होंगे, सक्रिय भूमिका निभाएंगे, वही हमारा बेस्ट कक्षा अधिगम होगा रचनात्मक। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर ले। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, सेकंड उसे कहना कि जब तक वह
समस्या समाधान का नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। थर्ड है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। फोर्थ है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तो यहाँ पे समस्या समाधान की बात की जा रही है तो उसका आधारभूत उदाहरण क्या होगा? तो जैसे कि यहाँ पे बच्चों को अगर किसी प्रकार का समस्या समाधान करने की बात की जाए तो उससे क्या कहेंगे, वह उसका बार बार प्रयास करे, उसका अभ्यास करे, तो उससे वह बार बार उसे कर अच्छी तरह से कर पाएगा। तो आंसर इसका करेक्ट हुआ हमारा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहे साथी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आपकी कक्षा में सीखने की विधि या विधिवत शैलियों वाले बच्चे हैं, विधिवत शैली वाले बच्चे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। उनका आकलन करने के लिए उन्हें आप फर्स्ट अपने विधिवत प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, सेकेंड परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, थर्ड समान अनुशासन देंगे और उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनका नामित करेंगे, फोर्थ कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला जा रहा है, जैसे आपकी कक्षा में विधिवत शैलियों वाले बच्चे हैं, विधिवत शैलियों मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, विभिन्न तरीके से सीखने वाले बच्चे हैं, तो आप उनका आकलन करने के लिए कैसा ऑप्शन या किस प्रकार का कार्य चॉइस करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि विधिवत प्रकार के कार्य देंगे और परीक्षण देंगे, तो जिससे कि बच्चे आराम से उन्हें कर पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग उन्हें कार्य मिल पाएंगे और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें वो कर पाएंगे। तो आंसर इसका करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट। थोड़ा सा कोई भी नहीं, एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, ये हमारा आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है फर्स्ट अपने बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहरी शब्दों का उपयोग करना, सेकंड है बच्चों को उनकी सोच में प्रवणों की समान मानना, थर्ड है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, फोर्थ है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रवणों से भिन्न होती है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि आजकल जो बच्चों की गलत धारणा को वैकल्पिक धारणा कहने की जो प्रवृत्ति चल रही है उसे हम क्या कहते हैं या क्या कहा जा सकता है? तो जैसे कि अभी बात करते हैं कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच है जो प्रौढ़ों से अलग होती है, तो इस प्रकार की धारणा होती है वो क्या है, वैकल्पिक धारणा कहलाई जाती है। तो आंसर इसका करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोच्चतम उचित वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, सेकंड है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, थर्ड है बहुप्रपेक्षियों को निरुत्साहित करना और एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, फोर्थ है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्षा में भूमिका जो टीचर की होगी वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों को क्या है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है अपने तर्क वितर्क देंगे, विचार देंगे और बच्चे यहाँ पर सक्रिय होंगे तो वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, या अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा या होता है जब विद्यार्थियों में या शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, सेकंड है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हों, बाहरी कारणों से प्रेरित हों, थर्ड है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, फोर्थ है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हों। तो ये अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे अधिगम तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी क्या आंतरिक प्रेरित होंगे, भीतरी प्रेरणा से परिपूर्ण होंगे, परिपक्व होंगे और सीखने की अंतर्निहित
इच्छा रखते होंगे, सीखने के लिए इच्छा रखते होंगे, तभी हमारा अधिगम और प्रेरणा सही होगा। तो यहां पे करेक्ट कथन होगा हमारे यहां पर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखना कौशलों के संचयन के समान है, सेकेंड है सीखने को सामाजिक सक्रिय सुविधा देती हैं, थर्ड है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, फोर्थ है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो यह सीखने के कथन पूछा गया है, सही सत्य कथन पूछा गया। तो जैसे सीखने के कथन की बात करते हैं तो सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया या क्रिया सुविधा देती है, क्योंकि जो बच्चा सीखता है या सीखने की बात कर की जब बात आती है तो समाज में रहकर बच्चा सीखता है, तो ये क्रिया सुविधा देती है। और आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में। निम्न में से कौन सा या कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो यहाँ कौन सी गतिविधि है जो सीखने के लिए सक्षम बनाती है, महत्वपूर्ण पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान, सेकंड निर्देश, थर्ड है पुरस्कार, फोर्थ है संवाद। तो जैसे कि हम बात करते हैं सीखने की जब बात आती है तो यहाँ पे संवाद करना, विचार व्यक्त करना, इस प्रकार के तर्क वितर्क करना, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जब विकास के बारे में कथन पूछा गया तो वो सत्य कथन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सेकंड है विकास जन्म से किशोरावस्था अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, थर्ड है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, फोर्थ है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो जैसे कि हम विकास के बारे में बात करते हैं, विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है और विभिन्न चरणों में होकर होता रहता है, तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर मध्य बचपन अवधि है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष से 6 वर्ष, सेकंड है 6 वर्ष से 11 वर्ष, थर्ड है 10 वर्ष के बाद, फोर्थ है जन्म से 2 वर्ष। तो यहां पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है मध्य बचपन अवधि पूछा गया है, तो जैसे कि मध्य बचपन अवधि की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 वर्ष से 11 वर्ष होगी। अगर जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा गर्भाधान होता है या गर्भावस्था होती है वो गर्भाधान से जन्म तक होती है, और शैशवावस्था होती है जो कि जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है, 2 वर्ष तक मान लेते हैं कुछ जगह पे, तो जो कि मानी जाती है। बाल्यावस्था हमारी 5 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था हमारी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है। अगर हम मध्य बचपन अवधि की बात करते हैं वो 6 वर्ष से 11 वर्ष की होती है, तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन? फर्स्ट ऑप्शन ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति की विकास की भविष्यवाणी करता है, सेकंड ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं, थर्ड है ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, फोर्थ है ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखा जाए कि वातावरण घटक की क्या भूमिका होती है या नहीं होती है, ये क्वेश्चन हम पूछा जा रहा है व्यक्ति के आकार देने में। तो जैसे कि हम ये बात करते हैं कि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है, व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाओं से ज्ञान अर्जित करता है और उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाती है, तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर थर्ड, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य
के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखना, सेकंड है परिपक्वता, थर्ड है विकास, फोर्थ है समाजीकरण। तो जब भी हम बात करते हैं कि मानव शिशु सामाजिक सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन की बात करते हैं तो आवश्यक कौशलों की बात करते हैं। तो जैसे कि आप आवश्यक कौशलों की बात करें तो उसका जो प्रारंभ होता है, तो जैसे कि मानव शिशु जब शुरुआत में शैशवावस्था में होता है तो जब क्या वो अपने समाज अपने घर के सदस्यों के बीच में आता है, फिर बड़ा होता है तो वो बचपन अवस्था में तो क्या वो अपने आस पड़ोस के बीच में आता है, तो उसमें धीमे धीमे क्या है समाजीकरण की प्रक्रिया होती चली जाती है। तो आवश्यक कौशलों का जो अर्जन प्रारंभ करता है वो क्या होता है इसमें समाजीकरण होता जाता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, सेकंड है अनुकरण, फोर्थ है थर्ड है पुनर्वलन, फोर्थ है भाषा। तो प्याजे जी कहते हैं कि जो भौतिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन सी भूमिका निभाते हैं महत्वपूर्ण जो है। तो जैसे कि आप भौतिक विश्व के साथ अनुभव विकास को प्रभावित करते हैं, हम जैसे जिस एनवायरमेंट में जिस माहौल में जिस वातावरण में रहते हैं जो घटनाएं हमारे आसपास में घटती हैं उनके साथ जो अनुभव हमारे होते हैं तो वो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहेगी। पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, फर्स्ट अपने लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, सेकंड है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, थर्ड है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, फोर्थ है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता की बात पूछी जा रही है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, जब पूर्व संक्रिया काल में हम क्या दूसरे व्यक्तियों को समझने के दृष्टिकोण की बात होती है, जैसे कि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के दूसरे काल में बालक स्वकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क में आने से ज्ञान अर्जन करता है और दूसरों से दृष्टिकोण को समझने की योग्यता का विकास हो जाता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक है, यहाँ पर जोड़े का मिलान चेक करना है और वो सही टिक करना है आंसर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, सेकंड है नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्व चुनते हैं, थर्ड है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा, फोर्थ है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम व तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो ठीक मिलान की बात करते हैं, तो जैसे बात की जाएगी ठीक मिलान की यहाँ पे, तो जैसे कि अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करती हैं, यह मिलान या जोड़ा क्या करेक्ट है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाइगोस्की के संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बक की संकल्पना, फर्स्ट ऑप्शन प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, सेकंड है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, थर्ड है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, फोर्थ है स्पष्ट करती है कि बच्चे स्वयं अहम केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पे बाइगोस्की की बात की जा रही है, तो जैसे कि यहाँ पे बाइगोस्की जो संतुष्टि है वो किस प्रकार की संकल्पना की अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन पूछा गया बच्चों की व्यक्तिगत। तो जैसे हम बात करेंगे बाइगोस्की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो आंसर इज करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में अपने चैनल दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है पुनर्वलन से, सेकंड है व्यवहार में मापने योग्य के परिवर्तन से, थर्ड है अवबोधन और अवधनात्मक प्रक्रिया से, फोर्थ है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो पृथक नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग पूछा गया, तो आंसर में चॉइस करना है ऑप्शन में से। जैसे कि हम बात करते हैं वाइगोत्स्की जी के अनुसार कि सामाजिक संदर्भ क्रिया या संदर्भ से, जब भी आपको वाइगोत्स्की जी दिखाई दे जाए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको वाइगोत्स्की जी क्वेश्चन में हों और बात की जा रही है समाज में के बारे में किसी भी ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होता है वो 99% वहीं पर होता है। तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार जो पृथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संदर्भ से, तो आंसर इज द करेक्ट हमारा यहाँ पे फोर्थ। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही है, देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हाँ सही होगा, तो आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लैक नोट प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष फर्स्ट ऑप्शन सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, सेकंड है उसके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, थर्ड है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वो है अधिन्यायवादी होता है, फोर्थ है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा गया, उसका एनवायरमेंट कैसा होता है कक्षा कक्ष का। तो जैसे ही हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर कक्षा का जो माहौल होगा, एनवायरमेंट है, वो लोकतांत्रिक होगा और प्रत्येक बच्चे के लिए समझने के लिए समान अवसर होंगे और वहाँ पर पर्याप्त स्थान होगा। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे फोर्थ, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा उदाहरण है जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वर राग और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, सेकंड ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, थर्ड तर्क दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, फोर्थ शब्दों के अर्थ क्रम और भाषा के विधिवत प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि जो व्यक्ति है वो उसका भाषिक बुद्धि क्या दर्शाता है, तो जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो शब्दों के अर्थ क्रम भाषा के विधिवत प्रयोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, भाषा फर्स्ट ऑप्शन हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, सेकंड है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, थर्ड है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, फोर्थ है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया भाषा किस प्रकार की है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो यह आप बात करेंगे हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्योंकि भाषा के अकॉर्डिंग ही हमारा व्यक्तित्व जाना जाता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 8th की क्लास एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने के रूप में महिला जबकि डॉक्टर व पायलट के रूप में पुरुष, इस प्रकार के चित्रों से बढ़ सकती है या बढ़ सकता है। तो जैसे हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्लास या कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए गए हैं जिसमें शिक्षिका को घरेलू महिला के रूप में दिखाया गया है और जबकि डॉक्टर और पायलट को पुरुष के रूप में दिखाया गया है, तो वो चित्रण है वो किस प्रकार से बढ़ सकती है या बढ़ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लिंग भूमिका निर्माण खेल, सेकंड है लिंग स्थिरता, थर्ड है लिंग सशक्तिकरण, फोर्थ है लिंग रूढ़बद्धता। तो जैसे कि यहाँ पे
कक्षा आठ की पुस्तक में, जो पाठ्य पुस्तक में जो एक चैप्टर दिया गया, जो चित्र दिए गए कि घरेलू महिला है और पायलट या डॉक्टर बनेंगे, वो पुरुष बनेंगे, वो क्या है, एक लिंग रूढ़बद्धता धारणा को दर्शा रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, आज के टाइम पर जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए या नॉलेज दी जाए या फिर एजुकेशन दी जाए, तो वो व्यक्ति उस पद को प्रतिष्ठान को प्राप्त कर सकता है। तो आंसर इज द करेक्ट वो हमारा यहाँ पर फोर्थ। तो सेशन यहाँ पर हमारा यहीं से समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।